हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, प्यारे होंगे। आज है सावन का पहला सोमवार, तो सभी को सावन के पहले सोमवार की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गाइस मेरा है व्रत। वैसे हर साल चार सोमवार पड़ते थे। ओ किट्टू, घी पूछ के आना ज़रा, मुझे घी नहीं मिल रहा है। हाँ तो गाइस सॉरी, वैसे हर महीने चार सोमवार पड़ते थे, लेकिन इस बार कुछ संयोग है कि आठ सोमवार पड़ रहे हैं सावन के। तो सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोले की, जय भोले बाबा, जय श्री शिव पार्वती। तो कृपया आप सभी भी अपने मंदिर जा ही रहे होंगे, मैं भी जा रही हूँ। 10-11 बज रहे हैं, तो बस पूजा की तैयारी हो चुकी है मेरी, बस पहुँचने वाली हूँ मैं। तो चलो मिलते हैं भगवान के मंदिर में, तब तक जाके देखिए मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। कुछ फूल पत्ते मैं मंदिर से ले लूँगी क्योंकि वहीं पर पेड़ है। और ये मैंने जल तैयार कर लिया है अपना भोले बाबा का। तो गाइस मैं मंदिर में ही आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी इसमें घी नहीं है, घी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। और जो है वो रोटी वोटी का उसे मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं थोड़ा सा घी अभी मंगाती हूँ। तो गाइस अब चलती हूँ मैं मंदिर। ये पैसे मैंने ले लिए, वहीं से किसी बच्चे को भेज के घी का एक पैकेट मंगा लूँगी, क्योंकि अब घर में घी तो जाने कब आएगा तो मुझे पता नहीं है। तो एक पैकेट मंगा लूँगी, पूजा के लिए शुद्ध घी का होना ज़रूरी है, खाने पीने का तो मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो चलो चलते हैं मंदिर। अब तो किट्टू तो जा नहीं रही है, इसको बुखार आ गया है, तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा चल रहने दे मत जा। पर गाइस मैं आ गई हूँ मंदिर, मंदिर में कर रही हूँ पूजा। बाल मेरे सारे बिखर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, घर जाके सही करूँगी। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ। ये मैं आ गई हूँ मंदिर, सब लोग पूजा कर चुके हैं, मैं ही कर रही हूँ, काफ़ी देर हो गई है। तो ये देखिए मेरे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु। गाइस मंदिर में कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत जल्दी पूजा करके चले जाते हैं। अब मैं तो थोड़ा लेट उठती हूँ, तो मैं लेट ही आ पाई हूँ। और फिर कुछ सामान भी नहीं था तो वो मंगाया। और गाइस ना मेरे ना सपने में एक बार भोले बाबा का, मतलब मैंने जल ही देखा था कि कुछ दूध के लोटे में मतलब कुछ गुलाब की पत्तियां पड़ी हैं। तो मैंने भाई से भी बोला था कि गुलाब की फूल ला दे, लेकिन वो कहीं काम से निकल गया, तो घर में कोई था नहीं तो ला नहीं पाया। तो फिर गाइस पता है मैंने ना अपने जो हमारे पीछे पेड़ लगाए गुलाब का, मैं यही सोच के चली कि शायद कोई फूल मिल जाए। और भगवान की कृपा से एक कली और एक फूल मिल गया, तो मेरी ये इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि जैसे मैंने अपने सपने में देखा था मैंने उनको उसी टाइप से जल चढ़ा दिया। अब पोपट ये हो गया कि जो वीडियो शूट करना चाहती थी उसका मैं बटन नहीं दबा पाई। और ये मैंने भस्म चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिए हैं। वैसे तो हम बहुत कुछ करते थे, लेकिन अभी जो समय पे हो पाया मैंने वो किया है, उतना ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। पर क्योंकि पहले वंदना वगैरह थी, माधुरी थी, तो हम घंटों घंटों पूजा करते थे, बारिशों में भीग जाते थे। अब मैं रह गई हूँ अकेली, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। तो कोई नहीं, मुझे उन सब की भी बहुत याद आ रही है, मैं उनको मिस कर रही हूँ। ये मैंने शमी पत्र चढ़ा दिए हैं, बेलपत्र के भी पेड़ लगे हैं हमारे मंदिर में, पर अभी वो बहुत छोटे हैं, तो यहाँ से ही मैंने दो दो तीन बेलपत्र धो के चढ़ा दिए हैं। वैसे भी बेलपत्र 11 दिन तक कभी बासी नहीं होते हैं, उनको हम धोकर दोबारा भी चढ़ा सकते हैं, ये मैंने वीडियोज़ में देखा है। और यहाँ मैंने लगा दिया चंदन, और मतलब चंदन के बाद मैं करूँगी आरती। तो जय भोले की। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ पूजा करके घर। और गाइज ये हो रहा है शाम का टाइम, मैं हूँ घर पे, और दिन में मैं वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि मेरे माइग्रेन का बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, दो टैबलेट खाई थी तभी ठीक हुआ था। और ये बनाया खाना, व्रत का खाना, इसमें है आलू की सब्जी, पूड़ी एंड नींबू, क्योंकि टमाटर तो महंगे हो गए हैं तो नींबू ही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर किट्टू खा रही है, मैं खा रही हूँ, और मोना खा रही है। कमेंट में बताइए, वैसे तो सभी रखते हैं, मैं भी जानती हूँ कोई एक आधी बंदा होगा जिसकी परेशानी होगी या बीमार हो गया, कोई और दिक्कत होगी, ये तो नहीं रखता होगा, बाकी सभी रखते हैं। तो चलो मैं खाना खा ले रही हूँ, मोना भी आ गई है खाना खाने, तो चलो भगवान को भोग लगा लेती हूँ पहले, फिर खाती हूँ मैं खाना। इन दोनों का व्रत नहीं है, मेरा व्रत है। तो ये भगवान को भोग मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है मेरे पास, मैं भगवान को भोग लगा के खुद ही खा लेती हूँ, क्योंकि उसको मैं रात में फेंकूंगी तो नहीं ना। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। मैं
तो गाइस इसके बाद सबसे पहले आपके लिए एक बाइट खा लीजिए। तो गाइस ये लीजिए। अक्सर मेरा पॉपआउट हो जाता है, मैं फोन ऑन करना कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, सारा वीडियो खत्म हो जाता है, फिर मुझे दोबारा एडिट करना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। तो प्लीज गाइस आप मेरी तरफ से खा लीजिए, फिर मैं खाती हूँ। ओके चलो खाना खा के मिलते हैं। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ सोने। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मेरे 1K जल्दी से कंप्लीट करा दें। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि जो नए बिगनर्स लोग होते हैं तो उनको कितनी टेंशन होती है हर चीज़ के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे और मेरे 1K जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं, और आगे भी मेरा साथ दे दे रहे हैं। सो बाय, लव यू, गुड नाइट यू टू फैमिली।